हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स के बारे में कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है। अब देखिए, ये जो ह्यूमन राइट्स है, जिसको अगर हम हिंदी में बोले तो मानव अधिकार, इनका मतलब तो हमें समझना ही समझना है। इसके साथ हमें ये भी समझना है कि ह्यूमन राइट्स एग्जिस्टेंस के अंदर आए कैसे। हमने इतना देखा है कि कोई कितनी सारी चीजें हमारे समाज में होती थी। हम देखते थे स्लेवरी होती थी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी, कितनी सारी इस तरीके की चीजें होती थी जो कि एक, अगर आप ह्यूमन बीइंग हो तो आपके साथ नहीं होनी चाहिए। सभी ह्यूमन बीइंग्स को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं हमारे समाज के अंदर कैसे आई और कैसे खत्म हुई, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ह्यूमन राइट्स, देखिए ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है। ह्यूमन राइट्स मतलब अगर आप एक ह्यूमन बीइंग की तरह जन्म ले रहे हैं तो जो अधिकार आपको जन्म से मिलते हैं उन्हीं को हम ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। Those rights which are provided to all men, सभी व्यक्तियों को वो rights मिलेंगे, all men on the basis that, किस basis पे, that he, she is a human being, कि अगर वो human being है तो वो सभी rights आपको मिलेंगे। क्या बोल रहे हैं कि those rights which are provided to all men, सभी men को मिलेंगे on the basis that he or she, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, इज अ ह्यूमन बीइंग, अगर वो ह्यूमन बीइंग है तो उसको वो अधिकार मिलेंगे एंड नीड्स सच राइट्स एज इंडिस्पेंसिबल टू लीड लाइफ विद डिग्निटी। कि वो ऐसे राइट है कि अगर उनको एक इंसान से अलग नहीं किया जा सकता। अगर उस व्यक्ति को आपको एक डिग्निटी की लाइफ देनी है, एक इज्जत की लाइफ उसको जीने देनी है, तो आपको उसको वो अधिकार देने ही पड़ेंगे। अगर आप उसको वो अधिकार नहीं दोगे तो वो एक डिग्निटी भरी लाइफ, एक इज्जत भरी लाइफ जी नहीं पाएगा। तो ऐसे अधिकार जो हमें उसको देने पड़ते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। मानव अधिकार जो एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर सभी को होते हैं। अब शुरू से ये नहीं होते थे, ये धीरे धीरे ऐसा किया गया, ये राइट्स हमें मिले कि सभी व्यक्तियों के पास ये राइट होने चाहिए। अब देखिए, अगर हम इसको बिल्कुल शुरू से शुरुआत करें, जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारा इतिहास है, हम उसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं या किया जाता है। एक बोली जाती है एंशियंट हिस्ट्री, एक बोली जाती है मेडिवल हिस्ट्री, और एक होती है मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखिए, एंशियंट हिस्ट्री कौन सी है, जो किस टाइम की होती थी, बीसी के टाइम की होती थी, बिफोर क्राइस्ट, उस समय की जितनी हिस्ट्री है उसको हम एंशियंट हिस्ट्री बोलते हैं। फिर आती है मेडिवल हिस्ट्री, जो एडी के बाद शुरू होती है, जो भी मतलब आफ्टर क्राइस्ट शुरू होती है, और मॉडर्न हिस्ट्री जो अभी की हिस्ट्री होगी, जिस वक्त हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने राज किया और ये सब चीजें जो भी हुई 1900 के टाइम की, इन सबको आप 1800 1900 के टाइम की, 20th सेंचुरी 19th सेंचुरी, इसको आप मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ले सकते हो। अब देखिए, अगर हम एंशियंट हिस्ट्री में जाएं तो क्या हुआ, जो बीसी का टाइम था, बिफोर क्राइस्ट का टाइम था, वहां पे आपको दिख जाएगा कि उस समय भी ह्यूमन राइट्स दिए जाते थे, लेकिन वो इतने ज्यादा सही नहीं थे कि उसके अंदर सभी को इक्वालिटी मिले या सभी को हर तरीके का अधिकार मिले, इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन उसके एग्जांपल बताएं, जैसे यूरोकेन ऑफ लसगश, इसके अंदर 3260 बीसी के अंदर अगर आप वहां पे उठा के चीजें देखोगे, इतिहास देखोगे, तो वहां पे आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स थे। वर्ड ह्यूमन राइट यूज नहीं होता था या इस तरीके की चीजें यूज नहीं होती थी, एकदम सही तरीके से ह्यूमन राइट्स नहीं मिलते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स की बात की गई थी। सर्गन ऑफ अक्कर 2300 बीसी के अंदर देखा जाए तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा ये। हम्रुबी ऑफ बेबीलोनिया, जिसको एक तरीके से बहुत पुराना टाइम बोला जाता है, 1750 बीसी का, उस समय भी मिल जाएगा। और अगर आप हमारे इतिहास के अंदर चले जाओगे, इंडियन वैदिक इरा के अंदर चले जाओगे, जो कि 1500 से लेके 5000 बीसी के बीच में जो आता है, जहां पे हम धर्म देखते हैं, जहां पे राजा जो था धर्म को फॉलो करता था, धर्मा को फॉलो करता था, जहां पे राजा और प्रजा को इक्वल ट्रीटमेंट की बात हुआ करती थी, सभी को न्याय देने की बात हुआ करती थी, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इतिहास जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री है, जो इतने सालों पुरानी हिस्ट्री है, वहां पे भी ह्यूमन राइट्स की बात होती थी। इसी तरीके से अगर आप यूनानी सिविलाइजेशन देखते हो या रोमन्स की सिविलाइजेशन देखते हो, तो वहां पे भी ये चीजें अवेलेबल थी। यूनानी सिविलाइजेशन के अंदर अगर हम देखें तो कुछ टर्म्स यूज की गई, जिससे हमें पता चलता है कि वहां पे भी ह्यूमन राइट्स की बात की गई थी, जैसे इजोगोनिया मींस इक्वल फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि सभी को फ्रीडम थी कि वो बोल सकते हैं, सभी को एक इक्वल फ्रीडम थी कि सभी को दी जाएगी, कि सब एक तरीके से स्पीच दे सकते हैं। इस्नोमिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी जो थे इक्वालिटी, इक्वल थे लॉ के बिफोर, जो अब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आज देखते हैं आर्टिकल 14 के अंदर। इसके अलावा जुस, जिसका मतलब सब राजी, राइट टू वोट, कि सबको वोट करने का अधिकार है, मत डालने का अधिकार है।
जूशोनोरम राइट टू बी इलेक्टेड एट एनी पब्लिक ऑफिस, जैसे आज अगर कोई सिटीजन है तो उसको राइट होता है कि वो किसी भी पब्लिक ऑफिस पे अपॉइंट हो सकता है, उसी तरीके से उस समय भी इन चीजों की बात की गई थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि एंशियंट हिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स एग्जिस्ट करते थे। उसके बाद जो एक तरीके से बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है जिसके बेसिस पे आज हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वो पहली बार मेडिवल पीरियड के अंदर, मतलब जो मेडिवल पीरियड था, मेडिवल हमारी हिस्ट्री थी जिसको हम मेडिवल हिस्ट्री बोलते हैं, उसके अंदर जो एडी का टाइम था, आफ्टर क्राइस्ट का टाइम था, एनो डेमनम जिसको बोलते हैं, उसके अंदर सबसे पहले जहां पे ह्यूमन राइट्स देखे गए वो ब्रिटेन के अंदर देखे गए। किंग ऑफ ब्रिटेन जो है 15 जून 1215 के अंदर पहली बार एक चीज लेके आए जिसका नाम रखा गया मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स की बात हुई, लोगों के अधिकार की बात हुई, जिसको आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आपसे वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, प्री का एग्जाम देते हो या कोई एंट्रेंस देते हो तो आपसे पूछेगा इस तरीके का, कई बार टिक मार्क में आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट को हम मैग्ना कार्टा बोल सकते हैं। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनको हम मैग्ना कार्टा का पार्ट बोलते हैं। तो आपको ऑप्शन देगा, थर्ड ऑप्शन में मैग्ना कार्टा होगा। इसके सीक्वेंस के अंदर बहुत सारे और एक्ट्स आए और रूल्स आए ब्रिटेन के अंदर, जैसे कि पेटिशन ऑफ राइट 1628 के अंदर आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है इसके और इसके बीच में। हबीस कॉर्पस एक्ट 1679 के अंदर, बिल ऑफ राइट 1689 के अंदर, इन सभी राइट्स के कारण जो स्लेवरी थी, ठीक है, हंगर थी, जो भुखमरी थी, पुअर्टी थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था रंग के बेसिस पे, और इस तरीके की कितनी सारी जो दिक्कतें थी वो सभी इनकी वजह से खत्म हुई इन कंट्रीज के अंदर। भारत के अंदर अभी भी ये चीजें चल रही थी कहीं ना कहीं, लेकिन इन कंट्रीज के अंदर ये चीजें खत्म हो गई। वहीं हम और डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आए तो ब्रिटेन की बात की हमने, अगर हम यूएसए में आए, यूएसए भी शुरू से आजाद देश नहीं है, उसके ऊपर भी ब्रिटेन ने राज किया, जैसे हमारे भारत पे किया ऐसे यूएसए पे भी राज किया, लेकिन उसको इंडिपेंडेंस बहुत पहले मिल गई थी, जब हमारे ऊपर वो राज करने आ रहे थे उस वक्त यूएसए आजाद हो चुका था। 1776 के अंदर उसको आजादी मिल गई थी, इंडिपेंडेंस मिल गई थी, और जो इस रिवोल्यूशन को लेकर आया था उनको हम वॉशिंगटन बोलते हैं, जिसकी बेसिस पे वहां की कैपिटल रखी गई वॉशिंगटन डीसी। तो अब जब उनको आजादी मिली और उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तब उसके अंदर 1789 के अंदर उन्होंने एक बिल ऑफ राइट्स लेके आए, बिल ऑफ राइट्स लेके आए जहां पे उन्होंने ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की। मतलब ये देखिए आप, ये जो ह्यूमन राइट्स हैं एक तरीके से, ये जो सारी बात की या बिल ऑफ राइट्स आ रहे हैं, ये सब आज के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं वही हैं, बस इनका नाम अलग रख दिया गया, बिल ऑफ राइट्स बोल दिया, मैग्ना कार्टा बोल दिया या इस तरीके की चीजें बोल दी, लेकिन ये चीजें वही हैं, वही सब अधिकार दिए जा रहे थे जो आज हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स के तौर पर मिलते हैं, मूलभूत अधिकार जिसको हम बोलते हैं कि अगर आप जन्म ले रहे हो भारत के अंदर एज ए सिटीजन, आपको कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपको ये अधिकार मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और यहीं से जो आज की हमारी डेमोक्रेसी डेवलप हुई, ये जो इनके प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, इन्हीं की अगर एक आप स्पीच सुनोगे, उन्होंने बोला था डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जो हम एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन जब एक्सप्लेन करते हैं डेमोक्रेसी को, तो उसके अंदर बोलते हैं ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब कि जो लोगों के लिए बनी हो, लोगों से बनी हो और लोगों के लिए काम करे, वही उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। यही साथ साथ जब ये चीज यहां चल रही थी यूएसए में, यही चीज फ्रांस में भी चल रही थी जो कि यूरोप की एक कंट्री थी या अभी भी है, 1789 के अंदर सेम चीजें, सेम वही उसी तरीके के राइट्स फ्रांस में भी आए, वहां रिवोल्यूशन वगैरह चल रहा था, उसके बाद यहां पे भी इस तरीके के राइट्स आए, जिसको बोला गया फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑन ऑफ मैन एंड सिटीजन, मैन एंड द सिटीजन, यहां पे बोल सकते हो कि जो राइट्स दिए गए किसको, मैन और सिटीजन को, तो इसके अंदर भी वही राइट्स दिए गए थे जो बिल ऑफ राइट्स दिए जा रहे थे यूएसए के अंदर, जो बिल ऑफ राइट्स दिए जा रहे थे ब्रिटेन के अंदर, वही राइट्स यहां पे भी उन्हीं राइट्स की बात की गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मेडिवल पीरियड के अंदर किस तरीके से ह्यूमन राइट्स का डेवलपमेंट हुआ, मानव अधिकार का डेवलपमेंट हुआ। तो आप एक तरीके से ये देख सकते हो जो भारत के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आके चीजें मिली वो ब्रिटेन, अमेरिका या फिर फ्रांस के अंदर मेडिवल पीरियड के अंदर ही आ चुकी थी। अब इसके बाद क्या हुआ, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आए तो दुनिया के अंदर लड़ाई हुई जिसको हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोलते हैं, 1914 से लेके 1919 तक भारत के ऊपर उस वक्त जो ब्रिटिश थे वो राज कर रहे थे, लेकिन उस वक्त लड़ाई हुई और वो भारत से भी सैनिक लेके जाते थे, वो सब अलग बात है। तो जब ये इस
का अंत हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, तो लीग ऑफ नेशंस बनाई गई, इसके अंदर भी अमेरिका का बहुत बड़ा रोल था 10 जनवरी 1920 को। लेकिन ये अपनी चीजों में सक्सेसफुल नहीं हुई, जो भी इसके पर्पस थे, इसका ये पर्पस था कि भाई इस तरीके की चीज दोबारा ना हो। लेकिन और इसका गठन 10 जनवरी 1920 को हुआ था, लेकिन फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई, तो इसका मतलब जो लीग ऑफ नेशन थी वो अपने पर्पस के अंदर, जो ऑब्जेक्टिव था उसके अंदर, वो सक्सेसफुल नहीं हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई कब से कब तक हुई, 1939 से लेकर 1944 तक हुई, जिसके खत्म होने के बाद, या जिसके खत्म होने के बाद 24 अक्टूबर 1945 के अंदर 51 देशों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा यूएनओ। थी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका के द्वारा ही प्रपोज की गई थी, उसके अंदर 51 कंट्रीज जो थी वो मेंबर्स थी, वो भी बहुत डेवलप्ड कंट्रीज थी। तो इसके जो मेंबर बनी यूएनओ को, यूएनओ की, जिसके अंदर 6 तरीके की ऑर्गेनाइजेशन आती है, जिसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी जनरल असेंबली। जनरल असेंबली ने 10 दिसंबर को जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 डिक्लेयर किया। मतलब कि एक तरीके से आप देख सकते हो अब हमारे पास ह्यूमन राइट्स आ गए 1948 के अंदर, जो विश्व के लिए बोले गए। और इसी समय पर अगर आप देखो 1948 के समय हमारा देश आजाद हुआ था, इसी के आसपास 1947 में, और इसी वक्त हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन रहा था। तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने देखा कि इस तरीके की चीज कितनी अच्छी है और कितने तरीके के राइट्स देती है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी उन्होंने फंडामेंटल राइट्स डाले। तो आप समझ सकते हो ये फंडामेंटल राइट्स कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आए। अब यहाँ पे बीच में बहुत सारी चीजें और भी हुई या अभी भी चल रही है, जैसे कि 1966 के अंदर इंटरनेशनल कन्वेंशन बनाई गई सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की, या इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स की, जिसको बोला गया कि सभी कंट्री अडॉप्ट करें, लेकिन नहीं किया। और उसी के बेसिस पे अभी भी अगर आप देखोगे तो ह्यूमन राइट्स अलग अलग तरीके से अलग अलग कंट्रीज के अंदर डेवलप हो रहे हैं, उनके बेसिस पे बेस चल रहा है। जैसे यूरोपियन कन्वेंशन अपने हिसाब से अपना चला रही है, अमेरिकन कन्वेंशन, अफ्रीकन चार्टर, अरब कमर्शियल कमीशन ऑफ एचआर, ह्यूमन राइट्स, तो इस तरीके की चीजें वहां पे चल रही है। अब ये सब चीजें जो हो रही हैं, जैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स आए, तो फंडामेंटल राइट्स को देखते हुए हमारे लेजिस्लेचर ने 1993 के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स नाम की एक चीज, एक एक्ट हमारा पास किया, जिसके अंदर हमारे ह्यूमन राइट्स को सेव करने की बात की जाती है। ह्यूमन राइट्स जो है फिर 2006 के अंदर अमेंडमेंट हुई, पहले सिर्फ नेशनल लेवल पे थी, फिर नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमीशन बनाई गई, जो कि अगर किसी के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, किसी के मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो सुओ मोटो भी एक्शन ले सकती है, या किसी के कंप्लेंट पे भी एक्शन ले सकती है। और उस व्यक्ति जिसके जिसके भी राइट्स वायलेट हो रहे हैं, जिसके साथ भी गलत हो रहा है, जिसके मानव अधिकार का हनन हो रहा है, उसको किसी भी तरीके से मदद कर सकती है, उसको फाइनेंशियली हेल्प कर सकती है, पैसा देकर या किसी और तरीके से, जैसे कि मेंटली हेल्प कर सकती है, उसकी जो साइकोलॉजिकल हेल्प कर सकती है, किसी भी तरीके से उसकी हेल्प करती है ताकि वो उन चीजों से रिवाइव करे। तो ये चीजें हैं किस तरीके से हमारे देश के अंदर भी जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, कैसे आए, और ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है। जो आपके मानव अधिकार हैं, जो एक तरीके से देखा जाए, जो आपको, अगर आप एज ए ह्यूमन बींग पैदा हो रहे हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो ऑफकोर्स आप ह्यूमन बींग ही हो, तो आपको वो अधिकार मिलेंगे ही मिलेंगे, जो कि आप हमारे फंडामेंटल राइट, जिसको हम बोल देते हैं, जो जस्टिसेबल राइट्स हैं, ये राइट्स हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अब देता है। तो किस तरीके से आप देख सकते हो कि ह्यूमन राइट्स का डेवलपमेंट हुआ। इस वक्त इनको ह्यूमन राइट्स बोला नहीं जा रहा था, यहाँ पे भी इनको सिटीजन राइट्स बोला जा रहा था, बाद में फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट के बाद जब 1948 के अंदर हुआ, तब ये हमने नाम ह्यूमन राइट्स रखा, मानव अधिकार रखा, जो एक हर एक ह्यूमन बींग के पास होने चाहिए। सो इस वीडियो के लिए इतने, अगर आपको समझ आया हो, कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई होप आपको टोटल अच्छे से समझ आया हो। इस वीडियो के लिए इतना ही, सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।